हेलो फ्रेंड्स, जुली की जिंदगी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेल्दी सैलड की रेसिपी। तो इसको आप हेल्दी ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो या फिर हेल्दी चीज़ खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 तरह का मिक्सचर लिया है जिसमें कि साबुत मूँग, साबुत चना और साबुत मूँगफली है। ये तीनों 1 कप मैंने लिया था और इसको 5 से 6 घंटे हमने फूलने दिया था और 1 दिन के बाद ये थोड़ा सा अंकुरित भी हो चुका है। और अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लेंगे 1 कटा हुआ प्याज मीडियम साइज का, 2 कटी हुई मिर्च लिया है हमने हरी मिर्च, 1/2 कप हमने यहाँ पे गाजर लिया है कटा हुआ, 1/2 कप हमने यहाँ पे खीरा लिया है कटा हुआ, 1 मीडियम साइज हमने टमाटर लिया है कटा हुआ, 1 चम्मच हम यहाँ पे काला नमक ऐड कर रहे हैं और यहाँ पर हम 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, 2 चम्मच हम यहाँ पे लेमन जूस लेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये जो हमने जो यहाँ पे लेमन जूस और चाट मसाला ब्लैक सॉल्ट यूज़ किया ना, ये बहुत ही टेस्टी भी लगेगा आपको साथ में खाने में। तो यहाँ पर हमारा हेल्दी के साथ साथ टेस्टी सैलड रेडी हो चुका है। तो ये हमारा जो सैलड है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, विटामिन प्रोटीन से भरपूर है। तो आप इस रेसिपी को मॉर्निंग के टाइम में ज़रूर ऐड ऑन कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में, या आप इसको भी खा के रह सकते हैं क्योंकि आप अगर इसका ब्रेकफास्ट कर लिए ना तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे मॉर्निंग में। तो आप इसको 1 हफ्ते ट्राई करके देखिए और आपको खुद रिजल्ट सामने आ जाएगा आपके पास। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरा सारा वीडियो का अपडेट मिलते रहे सबसे पहले आपको। तो चलिए हम अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।